हमारे पूज्य गुरु जी को शतकोटि प्रणाम और सब प्यारे गुरु जी के संगत को मेरे बहुत बहुत प्रणाम। और मैं अपने आप को बहुत आभारी समझता हूँ कि आज गुरु जी की आज्ञा से आपको मैं क्या बोलूँ। गुरु जी के मेरे शब्दों में गुरु जी के बारे में कुछ कहना ही बहुत असंभव है, क्योंकि गुरु जी इतने महान है और इतने बड़े हैं हम सबसे। और गुरु जी ने जो ये बहुत बड़ा एक परिवार रखा है हम सबके सामने कि हम किसी को हमारे रिश्ता ही यही है कि हम गुरु जी के संगत है और इसी रिश्ते से हम दोस्त भी है, भाई भी है और हम आपस में बस यही चिन्ह है कि भाई गुरु जी ने कहा जय गुरु जी। अगर किसी ने जय गुरु जी कह दिया तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे गुरु जी के प्यारे संगत है, इनके लिए इन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है आज के 21st सेंचुरी में इतना बड़ा कांग्रीगेशन, इतना बड़ा संगठन, गुरु जी के इतना बड़ा परिवार से हम सभी विनम्र प्रणाम है सबको। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है और होती रही है गुरु जी के साथ रहते हुए। मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरी छोटी छोटी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि गुरु जी हमारे अंदर ही अंदर बहुत सवाल पैदा होता है और हम गुरु जी से पूछते हैं या तो हम संगतों से पूछते हैं कि ये सवाल है, वो सवाल है। और मेरे दिल में बहुत सवाल था और वैसे ही बहुत स्वाभाविक है। और एक सवाल ये है कि गुरु जी ठीक है, गुरु जी को हम दूर से प्रणाम करते हैं, गुरु जी के साथ बात भी किए हैं, ठीक है चलो, मगर क्या हम संगत में, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं ये सोचता था कि कुछ गिने चुने लोग ही जो है, और मैं देखता था कि गिने चुने लोग, मगर वो गलतफहमी थी। और मैंने एक बार वो गलतफहमी कैसे, आज जैसे आज मैं आप लोग के साथ मेरा फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी प्रूफ है कि गुरु जी खुद कहते हैं कि किसको एक्सपीरियंस शेयर करनी है। तो ये फिर से दोबारा कितने बार, तीसरी बार या चौथी बार गुरु जी ने ये मेरे गलतफहमी दूर कराए कि गुरु जी की इच्छा से सब कुछ होती है गुरु जी के दरबार पे। और आप सब माने और जरूर मानिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। एक बार एक मैं छोटे से एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरी सिस्टर एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रही थी, उनकी मैरिज में थोड़ी सी काफी प्रॉब्लम आई थी एंड शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड मैरिज। सो मैं अपने एक कोलीग के पास गया और वो वैसे एस्ट्रोलॉजी करते थे, तो उन्होंने ये कहा, बहुत देख दो के कहा कि देखो ये मेरा बस का नहीं है, एक गुरु जी है और गुरु जी के बारे में मैंने सुना था और गया भी था उसके पहले, तो उन्होंने कहा कि इनको गुरु जी के पास ले चल। तो हम लोग उन दिनों छोटे मंदिर में हम लोग जाते थे, तो वो कलकत्ता से आई थी और गुरु जी के पास ले गए। और आपको याद होगा कि गुरु जी उन दिनों जितने पुराने संगत है उन सब मैंने देखा बहुत सारे हैं, तो गुरु जी हाथ से ऐसे काला प्रसाद देते थे और हमारे दोनों हाथ समाता नहीं था वो काला प्रसाद लेकर के, इतना पेट भर जाता था कि हम आ जाते थे। फिर कभी कभार हम लोग लंगर चखते थे, तो एक बार लंगर चखने के बाद क्या हुआ पता नहीं, वो गई मेरे साथ और गुरु जी आप छोटे मंदिर में आपको याद होगा कि एक ब्यूरो जैसा होता था, टेबल जैसा था, तो सब लोग बस जब जाते थे और लंगर ऑलमोस्ट खत्म होता था तो वो वहां जाकर के बस ऐसे खड़े होते थे अपने एक परमानेंट, वो जो ब्यूटीफुल परमानेंट स्माइल लेकर के। आज भी वो पिक्चर मेरे सामने बिल्कुल एकदम प्रज्वलित है। तो वहां जाकर के वो गुरु जी के चरण, और उन दिनों ऑब्वियसली हम लोग गुरु जी के चरण नहीं, गुरु जी के चरण की मिट्टी छूते थे, माथा टेकते थे, तो वो चरणों में जाकर के वो वहां पेंट हो गई। उसके बाद बस 10 मिनट तक वहां वो थी और उसके बाद गुरुजी से क्या कनेक्शन हुआ वो मानने लगी कि गुरुजी उनकी गुरुजी है। और धीरे धीरे की जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ दूर हो गया, हम तो देखते आए हैं। सो हर मैरिज प्रॉब्लम्स वर ऑल रिजॉल्व्ड एंड एवरीथिंग, शी वाज लीविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद गुरुजी ने चोला बदला। हम सब जो दिल्ली वासी है, दिल्ली में NCR में रहते थे, तो ये इस बात को बहुत बहुत स्वाभाविक से ले लिया। और चोला बदलने के बाद रेगुलरली हम बड़े मंदिर में जाने लगे, तो वो पूछती थी मेरे को कि भाई आप जाते हो वहां, हम जाते हैं। अच्छा, और वो बनी मन में ये भूल भी गई कि गुरुजी ने उस वक्त चोला बदल दिया। तो कुछ सालों बाद वो गुड़गांव में आई और कहने लगी कि चलो चलते हैं एक दिन, तो गुरुजी से मिलना है। खैर वो जयपुर से वो लेट होगी एक दिन, तो शाम को जा नहीं पाए। मैंने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं, बस माथा टेक के आते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में, आजकल गुरुजी बड़े। तो हम लोग गए और गेट से अंदर चले गए। चले जाने के बाद आजकल जहाँ पे वो कुटिया है गुरुजी के, वो कुटिया उस वक्त थोड़ा अंदर जा सकते थे हम लोग दरवाजे तक, तो मैं पहले क्योंकि पतली
सी आपको पता है कि पतली सी लेन सी है, तो हम गए, मैं गया, फिर मत्था टेक के आया, फिर इधर आ गया, फिर वो गई, फिर मत्था टेक गए। इसके पहले तो वो देखने लगी चारों तरफ, तो वो कहने लगी कि गुरुजी तो है नहीं, तुम लोग आते हो, तुम लोग इतना बातचीत करते हो, इतना शब्द सुनते हो, इतना संगत के साथ बातचीत करते हो, सुनते हो, संगत सुनते हो, कैसे करते हो? बिकॉज शी हैड ओनली सीन गुरुजी इन रियल लाइफ, एक ही बार मिली थी, तो वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी इस वक्त चोला भी बदल लिए और गुरुजी हमारे लिए उस वक्त है और हम मानते हैं और वो गुरुजी होते हैं उसी 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 मंदिर में हमारे बीच होते हैं। तो मैं ये सोचा था मन ही मन में खड़े खड़े कि हम सब तो जानते हैं गुरुजी हमारे बीच में होते हैं दरबार में, मेरे सिस्टर को मैं कैसे समझाऊं कि गुरुजी स्वयं अभी है यहां इस वक्त। तो यही सोचते सोचते वो बस मत्था टेक के, वो कुटिया से मत्था टेक के वो वापस जहां झूले के पास है, झूले के पास मैं खड़ा था, तो झूले के पास आई और हाथों में कुछ सूखे फूल सी लेकर के आई। देखो इसका इतना महक है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्मेल, यहाँ सारे पता नहीं ये सूखे से फूल कहाँ से दुर्गुरु जी के कुटिया के दरवाजे मेरे को मिल गया, मैं उठा के ले आई। तो तभी मुझे पता चला कि हाँ गुरु जी ने अब इनको समझा दिया कि मैं हूँ। तो मैंने कहा कि इस फूलों से नहीं, तुमने गुरु जी की फ्रेग्रेंस तुमको मिला है, और फ्रेग्रेंस तब मैं पढ़ता था भी था डिवाइन ने लाइट ऑफ डिविनिटी में पढ़ चुका था कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस, तभी भी मैं अपने आप गुरु जी की फ्रेग्रेंस तभी तक मैंने अनुभव नहीं किया था, तो मगर पढ़ा था जरूर और लोगों से सुना था कि गुरुजी अपने प्रेजेंस को बताते हैं अपने फ्रेग्रेंस से। तो मैंने कहा कि गुरुजी तुमने कहा ना कि भाई यहाँ पता नहीं गुरुजी है नहीं और तुम लोग सभी कहते हो गुरुजी है, तो गुरुजी ने खुद बता दिया है तुमको अपने फ्रेग्रेंस से कि मैं यही हूं और यहां तुम्हारे बीच में हूं। तो ये बात रही उस दिन और आज भी हम लोग ये बातचीत को लेकर काफी काफी चर्चा करते हैं कि कैसे गुरुजी ने मेरे सिस्टर को बता दिया कि अभी भी गुरुजी हमारे बीच में होते हैं और आज भी हम लोग मानते हैं और हम जानते हैं आज भी गुरुजी हमारे स्वयं हमारी ये बातें सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं हमारे सामने बैठे हुए दरबार। तो ये तो रही उसके बाद फिर काफी दिन गुजर गया और वो काफी सोचते रही कि भाई कलकत्ता में मैं यहाँ हूँ, वहां तुम लोग सत्संग करते हो, तुम जाते हो मंदिर में, यहाँ सत्संग नहीं होता। तो कहते कहते एक बार मेरे को एक वही सिस्टर की एक मैसेज आए अचानक कि कलकत्ता में कोई सत्संग हो रहा है बड़ा सा कोई एनुअल, तो मेरे पास क्यों आएगा ये। तो खैर मैंने सोचा कि देखो, तो फिर मैंने फोन किया उनको, कहा कि भाई देखो ऐसा है ये सत्संग हो रहा है, ये ऐसा ऐसा है, वो मैसेज मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया। फिर उसके बाद उनकी उनकी चाहत थी कि गुरुजी के सत्संग हो और कलकत्ता में बहुत बड़ा, और जहां वो रहती है उसके दो घर छोड़ के संगत की जो एनुअल फंक्शन है वो हुआ, वो जाने लगी और वो बहुत खुश रही कि उनके कहने से गुरुजी ने खुद उस शहर में गए और उनको मौका दिया कि उनसे मिले और संगत करे। तो ये रही दूसरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस और बाकी एक और भी है बहुत, ये फ्रेग्रेंस जैसे फ्रेग्रेंस में मुझे याद एक बार और आ गया कि मेरे ब्रदर इन लॉ अपने अपने बेटी के कॉन्वोकेशन की कॉलेज की कॉन्वोकेशन के लिए यूएस में गए हुए थे और वहां अचानक वो बहुत बीमार पड़ गए, एक मतलब उनको कन्वल्शन हुआ और वो फेंट कर गए और विदेश में, क्योंकि बेटी भी बस ग्रेजुएशन कर रही थी और वो अकेले, तो अस्पताल में वगैरह सब इलाज के लिए ले गए उनको। मगर क्या हुआ कि उनके जो फिर दो चार दिन बाद वो ठीक हो गए, उनको ले आने के लायक, वो मतलब ट्रैवल करने के लायक, वो डॉक्टर ने कहा कि भाई आज वो ट्रैवल कर सकते। तो इस बीच वो हम लोग कहने लगे कि भाई हाँ हम आ रहे हैं, तो फलाना फ्लाइट से, तो हम गए और मैंने गुरुजी से बहुत दरखास्त की थी कि गुरुजी आप उनके साथ रहना, साथ साथ रहना और यहाँ आकर के बस घर तक छोड़ देना और साथ रहना। फिर जैसे हम लोग गुरुजी से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दरखास्त करते हैं, इंतजार करते हैं और हम भूल भी जाते हैं कि हमने किया था। और इसी वक्त हम लोग एयरपोर्ट गए मिलने उनको, गाड़ी फिर अपनी गाड़ी में वो चले गए और वो जाते जाते वो जब जैसे निकल गए तब जो है अचानक मुझे वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई और गुरुजी ने ये बताया कि भाई देखो मैं तुमने कहा था कि मैं उनके साथ आऊं और साथ रहूं और बिल्कुल वो स्वस्थ है और मैंने, और उन्होंने मुझे याद दिला दिया कि मैं साथ आया था और साथ छोड़ के जा रहा हूं उनको, कि यहां तक पहुंचा दिया मैंने। तो गुरुजी हमारे, पूज्य गुरुजी हमारे, कहने क्या मौका ही नहीं देते, सोचने की बस देर है तो गुरुजी वो काम कर देते हैं और बता भी देते हैं कभी कभार कि भाई ये काम कर दिया है। सो ही रियली रिपोर्ट्स बैक कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। आज
आज तक हमने जितने बार करोड़ों अरबों खरबों बार गुरु जी को हमने याद किया, हमने कठिन वक्त की गुरु जी आप हमारे साथ रहना, और उस साथ को हमने महसूस किया। और हम सब जानते हैं कि ये हमने बार बार इस बात को गुरु जी किसी के थ्रू हमें बता दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ उठता हूँ बैठता हूँ। आजकल एक मतलब गुरु जी के सिवाय हम पता नहीं, कभी कभी लगता है कि जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो उस वक्त कैसा होता था। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि गुरु जी के मतलब गुरु जी को याद करे बगैर हम कैसे गुजरते थे। तो उस वक्त भी मैं जरूर जानता हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद के हाथ हमारे ऊपर थे और गुरु जी सदाई हमें आशीर्वाद करते हैं। ये तो रही एक इंसिडेंट। दूसरा, कुछ या एक साल डेढ़ साल पहले मेरे सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उस वक्त वो बीमारी को लेकर के हम बहुत परेशान थे। अचानक हुआ था तो हम काफी यहाँ लाचार महसूस कर रहे थे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी बीच में हम गुड़गांव में रहते हैं, एक संगत हुआ तो हम गए, तो बैठा था मैं बैठे सोच रहा था और गुरु जी को याद कर रहा था, गुरु जी मेरे सिस्टर को ऐसा हुआ है। और सोचते एक गुरु जी के संगत वो कहने लगे उनको कैसा ऐसा ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और कैसे वो कीमो नहीं करके वो रेडिएशन थेरेपी, उनको आदेश मिला वो रेडिएशन थेरेपी किया। तो मैंने सुन लिया, तो मैंने मुझे पता था काफी लोगों ने मुझे बताया भी है, मैं जानता हूं और आप सबके लिए जानकारी के लिए आप भी जानते हैं कि गुरुजी किसी न किसी के जरिए शब्दों के जरिए हमें बता देते हैं कि क्या करने चाहिए और क्या कौन से राह पे चलने चाहिए। तो मैंने अपने सिस्टर से कहा कि देखो जो भी हो ये लग रहा है कि गुरुजी का आदेश है कि तुम्हारा केमो नहीं होगा, तुम्हारा जो है वो रेडिएशन वही हुआ और अभी वो गुरुजी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ है और इलाज तो ये चलता ही है। तो अभी डेढ़ साल हो गया, अभी एक साल से ज्यादा हो गया है। तो ये एक इंसिडेंट रही जो गुरुजी हमें बता दिए कि भाई ये करना है। और काफी वक्त हर वक्त हम पूछते हैं गुरुजी से कि गुरुजी क्या करने चाहिए। हम जब एक यस और नो पॉइंट में जाते हैं तो हम गुरुजी से सवाल करते हैं कि गुरुजी हम ये राह ले या ये राह, लेफ्ट को जाए या राइट को जाए। और मुझे ऐसा लगा कि हर वक्त कुछ ना कुछ किसी जरिए या तो खुद आप स्वयं आपको कह देंगे कि आपको लेफ्ट नहीं राइट जाना है, राइट नहीं लेफ्ट जाना है। तो ऐसा कंपास, ऐसा डायरेक्शन हमें गुरुजी से ही मिल सकता है। आप सब जितने लोग हमारे साथ अभी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा और आप लोग अच्छी भली जानते हैं कि गुरुजी के डायरेक्शनल सेंस जो है वो बहुत बढ़िया रहा है। और आज तक गुरुजी हमारे लिए एक कंपास है, एक पोल स्टार है, जो कि उनको देख करके जहां पे चले हम जिस तरह का है कहें उसी तरह चल दिए। तो दैट इज लाइक अ शेपर्ड। गुरुजी इन माय लाइफ इज अ शेपर्ड, इज अ पोल स्टार एंड इज अ कंपास जो हमें दिशा दिखाते हैं। और हम सब के लिए ये, और जब भी कठिन घड़ियां आई और अपनी जिंदगी में हमने उनको याद किया कि गुरुजी बहुत कठिनाई है, बहुत प्रॉब्लम है, और पता नहीं उस प्रॉब्लम से कैसे मझधार से उन्होंने हमें लैंड तक ले आया और उस वो उनकी कृपा रही है हमेशा। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान जो उनके दरबार में या उनसे अरदास करते हैं वो तर जाते हैं। और अभी पिछले हफ्ते मुझे मेरे ऑफिस में एक पियोन होता था तो वो पिछले दिनों में कहने लगा कि बहुत साल पहले वो हमारे यहाँ काम करता था, बीच में व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो मैंने एक बार देखा उसके डीपी में गुरुजी, तो मैंने उससे पूछा कि हाँ, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गुरुजी से जुड़ने के लिए एक सही वक्त होता है और ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है और काफी लोगों के साथ मैंने देखा है। तो ये एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब वो ऑफिस में वो संजय जो पियोन मेरा हुआ करता था वो अब डस्टिंग करता था, गुरुजी के स्वरूप वहां पे होती थी, वो देखता था, वो उसको साफ भी करता था। और मैंने उस दिन पूछा कि आप तो देखे थे गुरुजी को? हाँ, बोला हाँ नहीं, मगर बाद में अभी दो चार साल पहले मैं बड़ा मंदिर गया किसी के साथ और तभी मैं जुड़ा। और आजकल जो भी हो गुरुजी के बहुत भक्त हूँ। वैसा ही मैंने देखा कि जिस गुरुजी हर संगत के लिए टाइम टेबल बना दिया है कि आप इस वक्त आओगे और इस वक्त जुड़ोगे और गुरुजी के आदेश से ही वो हम उनसे जुड़ते हैं, ना उसके पहले जुड़ सकते हैं ना उसके बाद। और आज तक मैंने जिनको देखा है, जिनको सुना है कि एक बार आपने जुड़ गए तो बस यू आर अ परमानेंट फैमिली मेंबर ऑफ गुरुजी अंडर हिज अम्ब्रेला। और जैसे गुरुजी कहते थे कि जो भी
इस मंदिर के और इस आसपास से बस गुजरा, बस उनका कल्याण हो गया। तो हम ये जानते हैं कि सभी का कल्याण होगा। और मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि गुरुजी हमेशा एक हमारे जितने बार हमारे मन में जो दुविधाएं रहे, दुविधा जो जितने रहे हैं, गुरुजी हमेशा वो दुविधाओं को अपने तरफ से जो है उन्होंने सही किया है। एक बार मैं एक छोटी सी मैं इंसिडेंट कहना चाहूंगा। मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो इस एक बार मेरे दो इनविटेशन आए, दोनों गुड़गांव में की संगत है। एक संडे मेरी आंटी उस वक्त कलकत्ता गई हुई थी, मैं अकेला था, तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन आया, तो मैंने वो मैसेज को रख के, और मैं ये सोचता था कि भाई गुरुजी के कोई विदेशी ने लोग हैं जो कि मतलब संगत करते हैं और आते हैं, वो अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, वो तभी भी मैं सोचता था। तो ऐसा हुआ कि मैंने वो अपने जीपीएस में फिट किया एक एड्रेस, और एक्चुअली मैं दूसरे एड्रेस को फीड कर दिया और मैं दूसरे जगह पहुंच गया, दूसरे संगत में, और उसमें ना मैं किसी के शक्ल मैंने नहीं पहचाना, किसी को नहीं जानता था मैं, फिर बैठ गया। तो बैठने के बाद एक उनमें से एक आंटी थी जो कि मेरे कॉन्डोमिनियम में मैं जो बिल्डिंग में रहता हूँ वहां रहती है, उन्होंने पहचाना मुझे। तो उन्होंने कहा कि अंकल आप क्यों ना आप करें, क्योंकि वो भी सिमिलर ट्रॉमा से गुजर रही थी, उनकी भी बहन जो है वो काफी कठिन कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी, वो तभी खबर मिला था उनको। तो तभी मुझे पता चला कि गुरुजी जरूर चाहते थे कि मैं ये वाले में आऊं और यहाँ आकर के मैं अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। तो वो जो गलतफहमी मेरी थी और वो जो गिने चुने लोग तय करते हैं कि कौन एक्सपीरियंस शेयर करेगा, वो गलतफहमी गुरुजी ने बिल्कुल मिटा दिया है। वो उसके सबसे बड़ा एग्जांपल आज है कि कल ही मुझे पता चला कि मैं विक्रम अंकल को सालों से मैंने नहीं मिला और नहीं जाना, सिर्फ उनका फोन आया और मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ मेरी ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हुए। लगता है कि अगर मेरे शेयर करने से किसी को कुछ सीख मिला, किसी को अच्छा लगा, तो मैं आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन एबल टू शेयर। क्योंकि गुरुजी जैसे हस्ती के बारे में कुछ कहना हमारे बस के नहीं है। वी आर लाइक यू नो वन सेल इन होल ऑफ यूनिवर्स। गुरुजी इतने इतने महान, इतने बड़े हस्ती हैं कि उनके बारे में कुछ कहना मैं बहुत बड़ी बात सोचता हूँ। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट सबसे बड़ा चीज जो है गुरुजी ने हमें जो सिखाया है वो है इक्वालिटी। हमें अभी भी याद है गुरुजी, हम लोग जब बड़े मंदिर में शुरू शुरू में जाते थे तभी भी वो थाली शेयर करके हम खाते थे, अभी भी लंगर सकते थे, और मेरे वाइफ और मेरे सन जाते थे साथ, और हमेशा तीन मेरे साथ दूसरे फैमिली के कोई अनजान कोई बैठता था, और मेरा सन जो है थोड़ा बिछड़ जाता था। तो मैंने देखा था वो कोई ड्राइवर होता था, कोई लीडर होता था, कोई भी चीज। तो गुरुजी ने एक चीज हमें बहुत सिखाया कि लेवलर, कि हर बंदा जो गुरुजी के दरबार में गया वो इक्वल है। उसके साथ बैठ के खाना, उसके साथ हाथ, उसको हाथ से लंगर बांटना, और उसके उसके साथ एक आसन में बैठ के खाना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने किया। कौन गुरुजी ने अपने मुझे बहुत सारे सिखाए हैं और बताए हैं, उनमें से एक सबसे बड़ी बात है वी आर ऑल इक्वल। और एक और भी चीज उन्होंने ये जरूर जानते थे कि चाहे वो पुराने संगत हो चाहे वो नए हो, गुरुजी सबके लिए एक ही जैसे है, वो पिता समान है और पिता ही रहेंगे हमारे। जय गुरुजी। मैं सोचता हूँ कि आज मैंने ये जो 28-29 मिनट 30 मिनट आपके साथ बिताए, मैं इसके लिए धन्य हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए गुरुजी को लाख लाख शुक्र, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे ये शब्द सुने, और उम्मीद है कि गुरुजी और भी मौका हमें देंगे, और जब जब वो चाहेंगे हम तब उनके बारे में हमारे छोटे से छोटे शब्दों में छोटे से छोटे जबान से मैं जरूर कहने की कोशिश करूंगा। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड व्हाट आई सेड। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।